दरभंगा मिथिलांचल का पहला ये ओवर ब्रिज है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसकी क्या स्थिति हो रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उसे लगातार कई चैनलों पर ओवरब्रिज के बारे में, बिहार के कई ओवरब्रिज के बारे में, देश के ओवरब्रिज के बारे में दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं दरभंगा के ओवरब्रिज के बारे में दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पेड़ उगे हुए हैं। ये पीपल का पेड़ है। कहा जाता है कि इसका जो अंदर का सिर है वो बहुत गहरा होता है, और ये ज़मीन के अंदर में जब एक बार पकड़ लेता है तो इसको निकालने में काफ़ी परेशानियां होती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधा सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, ये भी यहाँ पेड़ उगे हुए हैं। आप देख लीजिए कि इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बरसात का समय है, बारिश लगातार हो रही है और होने की संभावना भी है, लेकिन स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, मैं यहाँ के लोगों से ही बात करूँगा कि क्या स्थिति इसकी बनी हुई। स्थानीय नागरिक, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी पुल के दुर्दशा के बारे में बताया कि यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, और यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ घास देख रहे हैं, इसकी भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। दरभंगा के लिए बहुत बड़ा ये सौगात है। आधा शहर इस ओवरब्रिज से गुजरता है, लेकिन स्थिति मैं आपको सीधा सीधा दिखा। नागरिक हैं, इस ओवरब्रिज से आप लगातार आते जाते हैं। स्थिति आप देख रहे हैं कि आपके ठीक बगल में देखते हैं दर्जनों सैकड़ों पेड़ यहाँ उगे हुए हैं। बरसात का समय है, क्या कहेंगे आप, क्या यहाँ होना चाहिए इसके लिए? ये व्यवस्था जो है इतना गंदा है, जो ओवरब्रिज बन गया है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। कितनी गंदी बात है सरकार, यहाँ के विधायक जो है सब पर ध्यान देना चाहिए, MP साहब को ध्यान देना चाहिए। कहीं कोई देखने वाला नहीं है इसको, इससे पब्लिक को दिक्कत हो रहा है, इस पर सांप रहता है, कीड़ा रहता है। ये साफ़ सफाई रहनी चाहिए, साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं किसी का है। तो इससे क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी यही होगी कि इसका सिर नीचे जाएगा, ये टूट जाएगा, गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, यही सब होगा, और क्या होगा। आए दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ओवरब्रिज है वो कहीं गिर जाता है। यही कारण है, यही कारण है कि यहाँ पर पीपर का घास है, देख लीजिए पूरा पीपर है, यहाँ से वहाँ तक कितना गंदगी है। इसका सिर नीचे जाएगा, टूटेगा ही ना, इसका मेंटेनेंस करना किसका काम है? सरकार के प्रतिनिधि को, यहाँ के सरकार के प्रतिनिधि सोए हुए हैं, ऐसे ही चल रहा है। क्या उसे विभाग का भी दायित्व बनता है ना, किसकी देख रेख? हाँ, सबको, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, वह विभाग के आदमी को ला के दिखाना चाहिए उनको, इसका मेंटेनेंस ठीक से करना चाहिए। वो सब पर कोई ध्यान नहीं है। यूँ कहें, मिथिलांचल का ये अमूल्य धरोहर है ओवर ब्रिज, कठरवारी ओवर ब्रिज के नाम से इसे लोग जानते हैं। आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, ठीक है, पुल बना है, अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को सुविधा हो रही है, लेकिन मेंटेन के संबंध में आप देखिए कि आपके पीछे जो दर्जनों छोटे पेड़ उग गए हैं, बरसात का समय है, ये बड़ा रूप धारण कर सकता है, अभाव है इसकी देख रेख, क्या कहेंगे आप? ये दरभंगा वासी का मेहनत का परिणाम है, कठरवारी वासी जो हैं उनका मेहनत का परिणाम है, ये कठरवारी ओवर ब्रिज पास हुआ और ओवरब्रिज बना, लेकिन इसका रख रखाव का कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कठलवारी ओवरब्रिज के जगह जगह पीपल का पेड़ उग गया है, और बीच में जो है थोड़ा सा हल्का यहाँ से जब आगे बढ़िएगा तो इस तरह पुल का निर्माण किया गया, ओवरब्रिज का निर्माण किया गया, जो वहाँ पर बुरी तरह पानी का जल जमा हो रहता है, तो इससे क्या होगा, पुल क्षतिग्रस्त होगा। ये जो है मिथिलांचल का जो ये ओवरब्रिज है, ये समझिए जो मतलब पूरा हार्ट माना जाता है। अगर ये नहीं रहे तो समय पे एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, कितने मरीज यहाँ पे मर जाएंगे, बहुत तरह का तमाम सुविधा है। अगर इसका रख रखाव सही ढंग से नहीं किया गया, आने वाले समय में गंभीर परिणाम दरभंगा वासी को भुगतना पड़ेगा। यहाँ के वासी है, ये समस्या का मतलब क्या कहेंगे आप? यहाँ पूरा पानी लग जाता है, बहुत दिक्कत होता है, पब्लिक को कुछ जा नहीं पाता, पैदल जा पाता है। और ये पेड़ जो बड़े बड़े पेड़ उगे संबंध में क्या कहेंगे आप? और जाने में खतरा बनेगा, बाहर जाके पेड़ उठ गया घर कुछ ठोकर लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। अच्छा, क्या कहेंगे इसे इस पुल के संबंध में, जो देख रहे हैं कि बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं? अगर पेड़ को नहीं हटाया गया तो पूरे इसके कंस्ट्रक्शन को डैमेज कर देगा, इसके पूरे इसके कंक्रीट को ख़राब कर देगा, या फिर इसको अविलंब इसके यहाँ
नगर निगम के द्वारा इसको हटाया जाए, काट छाट किया जाए और इस पर रख रखाव पर ध्यान दिया जाए। पर यहाँ बरसात का समय है, अगर इसके बढ़ने से वहाँ पूरा जो उसका जड़ फैलेगा, उसका कंस्ट्रक्ट उसके अथी में दीमक लग जाएगा, वो फटने का डर रहता है।